Hi, welcome back again. इस सेशन पे हम पाइथागोरस थ्योरम एंड पाइथागोरस आइडेंटिटीज को जानेंगे, जबकि उसके बाद वाले सेशन के अंदर हम को फंक्शंस आइडेंटिटीज को समझ सकेंगे. तो द बेसिक टर्म एयर द पाइथागोरस या पाइथागोरियन थ्योरम्स, डिफरेंट वर्ड के साथ इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, लेकिन वन ऑफ द फेमस नेम इज अ पाइथागोरस थ्योरम. वट इज पाइथागोरस थ्योरम? इट्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर साइड ऑफ द हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर्स टू साइड. यानी जो हाइपोटेनस साइड है वो बराबर है अदर्स टू साइड के स्क्वायर सम के. ठीक है, इस चीज़ को हम पाइथागोरस थ्योरम कह रहे होते हैं. एज वी नो कि जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसमें एक साइड ज़रूर 90 डिग्री की होनी चाहिए. ठीक है, और जो दो अदर साइड होंगे उसके एंगल का सम 90 होगा. बेस्ड ऑन दिस जो 90 प्लस 90 की वैल्यूज आ रही होगी वो 180 होगी. एंड बेस्ड ऑन द 180 डिग्री ये राइट एंगल ट्राइंगल या किसी भी टाइप के ट्राइंगल का सम होता है इन अ फॉर्म ऑफ द डिग्री 180. ओके, अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को देखें, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. इन अ शॉर्ट वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म पे देखें तो ये साइड ए है, ये साइड बी है, जबकि ये साइड सी है. इस चीज़ को हम इन अ फॉर्म ऑफ द पाइथागोरस फॉर्म, अगर वन ए साइड को देखा जाए तो ये सबसे छोटी है, तो इस बॉक्स को इस तरफ लिखा गया. बी सेकंड साइड जो कि ए से बड़ी है, जबकि सी जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा. यही वजह है कि इसको इनलार्ज यहाँ पर दिखाया गया. और इसके इन साइड पे हम राइट एंगल ट्राइंगल को उसी तरह से प्लॉट होता हुआ देख रहे हैं जिस तरह से अभी हमने इस साइड पर देखा है. ठीक है, दिस वन. इसी पार्ट को अगर मैं इक्वेजन वाइज या पाइथागोरस वाइज लिखूँ तो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. अगर इन अ फॉर्म ऑफ द एग्जांपल्स देखें तो ऐसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो सकती है जिसके साइड ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर होती है या 3 होती है, तो मैं इन अ फॉर्म ऑफ द पाइथागोरस स्क्वायर लिखूंगा. प्लस सेकंड 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखूंगा. इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें 3 का स्क्वायर लेना होगा जो कि 9 है, 4 का 16 है, तो ये बराबर हो जाएगा 25 के. तो सी की क्या वैल्यूज होनी चाहिए जिस पे हमें ये वाली वैल्यूज 25 मिल जाए? द बेसिक थिंग कि अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ तो ये 25 हो जाएगा. एंड हिंस प्रूव देयर कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर है सी के. एंड बेस्ड ऑन दिस द पाइथागोरस थ्योरम हेयर प्रूव्ड. सो बाय यूजिंग दिस पाइथागोरस वी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा वैल्यूज बाय यूजिंग द अप्रोच ऑफ द पाइथागोरस आइडेंटिटीज. अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम के बिहाफ पर राइट एंगल ट्राइंगल पर दो साइड्स का पता हो तो हम तीसरी साइड को खुद फाइंड कर सकते हैं, और इसी पाइथागोरस के जरिए से कुछ आइडेंटिटीज भी प्रूव होती हैं जो यहाँ पर मौजूद है. ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज़ हैं जो यहाँ पर लिखी गई हैं जो पाइथागोरस से ड्राइव की जाती हैं. एज वी नो अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन थीटा को मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा जा सकता है. ओके, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल प्लॉट करें एज लाइक दिस, तो मैं कह सकता हूँ ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है. पाइथागोरस कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. राइट, अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड से सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, that is equal to a square divided by c square plus b square divided by c square, और c square upon c square बराबर हो जाएगा 1 के. ओके, a upon c यानी a upon c साइड अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक साइन के बराबर होती है क्योंकि ये स्क्वायर के साथ है ये, तो मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ. ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि तीनों साइड्स की वैल्यूज को किस तरह से लिखा जाता है साइन एंड कॉस के फॉर्म पर. तो डायरेक्टली मैंने a upon c को देखते हुए ये लिख लिया क्योंकि ये साइड जो है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है जबकि ये हाइपोटेनियस होता है. ओके, द नेक्स्ट वन बी स्क्वायर अपॉन सी. बी अपॉन सी कॉस को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये स्क्वायर के साथ है, तो मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा और इक्वल टू 1. ये फर्स्ट हमारी आइडेंटिटीज आ गई, विच मीन ये फर्स्ट रूल है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिखा जा सकता है. एंड हेंस प्रूव डेयर द फर्स्ट वन. द नेक्स्ट वन, अगर मैं इसी इक्वेजन को जिसे मैं रोमन 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे मैं डिवाइड कर दूं बी स्क्वायर से और इसी तरह से सी स्क्वायर से. ठीक है, तो पहले तो हम इसे बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1, क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर. ठीक है, ए अपॉन बी, अगर आप इस चीज़ को देखें कि ए अपॉन बी ये बराबर हो जाएगा 10 के. बिहाफ ऑफ दिस अगर हम इसे साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि साइन अपॉन कॉस जो है 10 के बराबर होता है, तो मैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को डायरेक्टली 10 के बराबर यहाँ पर लिख सकता हूँ. तो ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, जबकि सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉट के बराबर होगा, तो मैं इसकी जगह पर कॉट लिख सकता हूँ. ठीक है,
इज इक्वल, सॉरी नॉट एज अ कॉट, क्योंकि ये बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर के, राइट, sec स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. ठीक, तो ये सेकेंड हमारे आइडेंटिटीज आ गए. ठीक है, sec स्क्वायर हम जानते हैं कि वन अपॉन cos या sin के फॉर्म पर जिस तरह से लिखा जा सकता है वही वैल्यूज आ रही होगी और वो ऊपर जाके sec के फॉर्म पर कन्वर्ट हो जाता है. ये हो गई हमारी सेकेंड आइडेंटिटीज. थर्ड पे हम इस चीज़ को सी से कर, ए से करेंगे, तो ए स्क्वायर अपॉन यानी ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए बराबर हो जाएगा वन के. ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ दी थ्री साइड्स दैट इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा क्योंकि स्क्वायर के साथ है, जबकि देयर इज अ इक्वल साइन. सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को जब आप सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू द थर्ड प्रूवमेंट और द रूल्स और लॉ ऑफ द पाइथागोरस आइडेंटिटीज. तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हमें प्रूव करके भी देख लिया और इन्हीं चीज़ों को ट्रिग्नोमेट्रिक्स में मल्टीपल सॉल्यूशंस पर यूज़ किया जाता है टू प्रूव योर साइड्स और द प्रूव योर क्वेश्चंस. दैट्स ऑल अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम एंड पाइथागोरस आइडेंटिटीज. नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो बात करेंगे कि कोफंक्शनल आइडेंटिटीज क्या है और उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे. इसी तरह से जुड़े रहें क्योंकि प्रीवियसली जितनी भी वीडियोस हमने कवर की हुई हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है फहद हुसैन सी एस एस. सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आकर वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पर इनकी प्लेलिस्ट सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ यहाँ पर वीडियोस मौजूद हैं, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मेरे ब्लॉग फहद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर है. तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें. अगर आप आर प्रोग्रामिंग पर इंटरेस्ट रखते हैं और आर प्रोग्रामिंग के जरिए से मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग सीखना चाहते हैं तो यू आर इन अ राइट प्लेस. यूडेमी पे एक मेरा कोर्स सब लाइव मौजूद है जिस जो कि 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर मुश्तमिल है. आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप इसे कंप्लीट करते हैं तो यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट इन एनी फर्म. तो नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, सी यू देयर.